है? सब ठीक है भाई। वो विठल काका है ना, अपने 5 साल के पोते को घोड़ा गाड़ी की लगाम सौंप दी। अब गाड़ी पलटेगी नहीं तो क्या होगा? अब तो मराठी साम्राज्य की लगाम भी 5 साल के बच्चे के हाथ में आ रही है। अब तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य ही पलट जाएगा। पैनी, महाराज के मरने का कितना दुख है सबको, कितना रो रहे थे सब, हमने देखा ना, वो सखा भाव भी था। वो सखा अपनी सगी आई के मरने के बाद शाम को हंस रहा था, वो रोएगा महाराज के लिए? बिल्कुल नहीं। अरे सब अपने हाल पर रो रहे थे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठियों को बांधने वाली वो एक जंजीर अब तो रही नहीं, जो एक धागा बचा था वो भी टूट गया। न जाने क्या होगा मराठी साम्राज्य का, रहेगा भी कि नहीं पता नहीं। और ऐसे आपत्ति काल में आपको परिवार बढ़ाने की सोची? वहिनी, हर बच्चा अपना अपना नसीब साथ लेके आता है। राधा बात को समझो, एक बच्चा जेब में 10 छेद कर देता है, पैसे कहाँ जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। अब अगर पैसे नहीं रहेंगे तो सुख कैसे मिलेगा? पैसों से सिर्फ सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं, सुख साथ से मिलता है। और इनके साथ मैं हमेशा खुश रहूंगी और मेरा बच्चा भी। कैसे? रोइए मत ना से, आपके पिता एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए हैं आपके लिए। आंखों में आंसू रहेंगे, विरासत धुंधली पड़ जाएगी। आपको एक मिसाल बनकर जीना है, मिसाल बनकर। तारारानी साहेब, साहेब हमें आपसे कुछ कहना है। बधिरे कांत, कुछ गलत कह जाए तो माफ कीजिएगा। मतलब गलत कहने आए हैं? धाना जी, आप हमारे सबसे विश्वास पात्र सेनापति हैं, परिवार के सदस्य हैं, जो बोलना है बेखौफ बोला। तारारानी साहब, आपने धाकले शिवराजे को सिंहासन पर बैठाने की बात की है, पर बहुत से सरदारों का मत है कि सिंहासन पर शाहू जी को बैठना चाहिए। सच पूछिए तो हम भी यही चाहते हैं, हमारे स्वर्गवासी पति की अंतिम इच्छा भी यही थी, पर शाहू जी कहाँ है? हम बताते हैं, जब वो 4 साल के थे तब से शाहू जी और उनकी माँ येसुबाई साहेब औरंगजेब के कैद में है। कमरुद्दीन, दोस्ती तो पहले भी किसी से नहीं थी, पर अब दुश्मनी में भी मजा नहीं रहा। उम्र की शाम में दुनिया अपने दोस्तों को याद करती है, पर शहंशाहों के दोस्त कहां होते हैं? इसलिए बैठकर कुछ अजीज दुश्मनों को याद कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज थे तब तक 2 शेरों की जंग थी,
पर अब एक 5 साल का बच्चा और उसकी मां से दुश्मनी। मुगलिया शान के खिलाफ है। वैसे चांद तो इसमें भी नहीं है कि मराठियों को खामोश रखने के लिए शाहू जी को कैद में रखा जाए। कमबख्त। सियासत क्या क्या नहीं करवाती। क्यों कमरुद्दीन? ग्यारह साल हो गए हैं उनको औरंगजेब के कब्जे में। अभी तक किसी ने भी उन्हें नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि शाहू जी जीवित है या नहीं। कोई नहीं जानता कि जो औरंगजेब के कब्जे में है वो असली शाहू जी है या फिर कोई बहरूपिया। उनके वापस आने की उम्मीद तो हमें भी है धाना जी, लेकिन उम्मीदों को सिंहासन पर नहीं बिठाया जाता धाना जी। सिंहासन पर जीता जाता वारिस बैठता है और वो वारिस राजे हैं। हम आप पर विश्वास करते हैं धाना जी, अब आप भी हम पर विश्वास करिए। हम मराठाओं की डोर तब से संभाले हुए हैं जब से हमारे स्वर्गीय पति को मुगलों के आतंक से अज्ञातवास में जाना पड़ा था। रानी साहेब, आपकी बात हम समझते हैं, पर शाहू जी के समर्थकों को हम कैसे समझाएं? क्या कहें हम उनसे? सच कहें और पता कीजिए कि औरंगजेब के कैद में जो है वो असली शाहू जी है या नहीं। पर जो भी करना है जल्दी कीजिए। ढाकले शिवाराजे का राज तिलक ज्यादा दिनों तक नहीं रोका जा सकता, पर हमारे ख्याल से यह ख्याल आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सब जानते हैं कि औरंगजेब के खेमे से जिंदा लौट पाना नामुमकिन है और आप सबके चेहरे भी वहां पहचाने हुए हैं। कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। रानी साहब, एक आदमी है, उनका चेहरा मुगलों ने नहीं देखा और उनमें ये काम करने की हिम्मत और चतुराई दोनों है। नाम? बालाजी विश्वनाथ भट्ट। देखने में आम है पर देखिएगा काम खास कर जाएगा। बालाजी भट्ट वो आदमी है जिसको तिल के बराबर भी मौका मिल जाए ना तो वो ताड़ के बराबर काम कर डालता है। और औरंगजेब के खेमे में जाके वापस आने की संभावना इस वक्त तिल के बराबर है, पर अगर बालाजी भट्ट वही पुराना बालाजी भट्ट है तो उसके लिए इतना मौका काफी है। जय देव, जय देव, जय देव, जय देव, जय देव।